पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिरकार डॉक्टरों से मिलने के लिए पहुंच गई। धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टरों के पास ममता बनर्जी पहुंचकर और उन्होंने कहा कि मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं कोई बड़ी पदाधिकारी नहीं हूं, मैं आप सबकी दीदी हूं और आप सबसे मिलने के लिए आई हूं, आप सबकी बातें सुनने के लिए आई हूं। ममता बनर्जी अगर इस तरह से झुकती हैं, ममता बनर्जी अगर जूनियर डॉक्टरों के पास जाकर बातचीत करती हैं, तो इसके क्या निहितार्थ निकालने चाहिए, इसके सियासी मायने क्या होने चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। क्या ममता बनर्जी झुक गई? क्या ममता बनर्जी की इसमें कोई पैतरेबाजी है? क्या ममता बनर्जी की इसमें कोई चाल है? या ममता बनर्जी डर गई हैं, घबरा गई हैं? इनमें से कोई बात नहीं। दरअसल जब नैतिकता की लाठी पड़ती है तो अच्छे से अच्छा अहंकारी व्यक्ति भी वो धराशाही होता है, वो धरती पर गिरता है, उसे धरती पर लौटना पड़ता है, लेटना पड़ता है। रावण से बड़ा अहंकारी कोई नहीं था। रावण एकदम अहंकार अभिमान सब में चूर था और रावण को लगता था कि धरती पर उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, वो विश्व विजेता है। और इसीलिए रावण हमेशा अहंकार अभिमान में डूबा रहता था। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में ये समझता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। ममता बनर्जी ईडी से नहीं डरी, ममता बनर्जी केंद्र सरकार की तमाम जांच एजेंसियों से नहीं डरी, ममता बनर्जी राज्यपाल से नहीं डरी, ममता बनर्जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नहीं डरी, लेकिन जब नैतिकता की लाठी ममता बनर्जी पर पड़ी तो उसके बाद ममता बनर्जी को एहसास हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी को यह पता चला कि वो जीवन के किस पथ पर, किस रास्ते पर जा रही हैं। एक दिन हर व्यक्ति का, हर इंसान का अंतिम दिन होना निश्चित है ही है, एक दिन हर व्यक्ति अंतिम यात्रा के लिए निकलता ही निकलता है। ऐसे में ऐसा ना हो जाए कि कहीं जो बेटी यानी जो लेडी डॉक्टर मौत के मुंह में समाई है, तड़प तड़प कर मरी है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसे मौत के मुंह तक ले जाया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आत्मा, वो उसे ममता बनर्जी को डराने ना लगे, कहीं ऐसा ना हो उसकी आत्मा तड़प तड़प कर ममता बनर्जी से सवाल जवाब करे कि आज आप कह रही हो कि आप तो दीदी हो, आप मुख्यमंत्री नहीं हो, तो अगर आप दीदी होती, अगर हमारी बड़ी बहन आप होती, तो क्यों आखिर आपने, जब मेरे साथ इतना बड़ा, इतनी बड़ी हैवानियत हुई, तो क्यों आपने तुरंत जो है सख्त कदम नहीं उठाए, क्यों आपने आरोपियों को पकड़ने की बजाय, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय आप ढील देती गई, छूट देती गई, जिससे ये मामला दब जाए, जिससे ये मामला छिप जाए, जिससे ये मामला बहुत ज्यादा चर्चा में ना आए। निश्चित मानिए, निश्चित मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ममता बनर्जी के अंदर ये बातें जरूर कौंध रही होंगी, ये बातें जरूर उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर रही होंगी। इन बातों को सोच सोच कर उनका मन झकझोर उठता होगा कि आखिर वो कितना बड़ा दोष, कितना बड़ा अपराध अपने सिर पर लादे हुए जा रही है। भले ही वो अहंकार से, मद से डूबी रहती हैं, भले ही उन्होंने पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पश्चिम बंगाल का जो मूल तत्व था, मूल संस्कृति थी, मूल संस्कार था, मूल सभ्यता था, मूल जहां की संस्कृति थी, उन सबको ममता बनर्जी ने मिटाने का काम कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच ममता बनर्जी के मन में अंदर रही और उसके बाद उसी सोच के तहत ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात करने का निर्णय लिया। पहले 3 वार्ता विफल रही और जूनियर डॉक्टर ममता बनर्जी से मिलने नहीं आए, सारे रास्ते बंद हो गए थे। ममता बनर्जी को लगा कि ये जूनियर डॉक्टर हड़ताल से उठेंगे नहीं, और पूरे कोलकाता में और कोलकाता से लेके पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो सकती है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो फिर उनके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। इसलिए ममता बनर्जी ने ये सोचा, ये निर्णय लिया कि अब केवल एक ही रास्ता है, जूनियर डॉक्टरों के धरना स्थल पर पहुंचे, वहां उनसे बातचीत करें। ये बातचीत करने का जो तरीका है, ये बातचीत करने का जो लहजा है, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर जैसे कहा कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, आप सबकी दीदी के तौर पर आई है,
तो ये आप समझिए कि माफी मांगने के लिए आई हैं, क्षमा मांगने के लिए आई हैं। और ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप ये समझिए आप कितने बड़े बादशाह हों, आप कितने बड़े जहांगीर हों, आप कितने बड़े संतलन के सुल्तान हों, आप कितने बड़े हुक्म के बादशाह हों, लेकिन जब आपका शरीर जर्जर होता है, जब आपकी चीजें कमजोर पड़ने लगती हैं, तो आपके जो सिपह सलाहकार होते हैं, जो आपके लोग होते हैं, जो आपको समर्थन देते हैं, जो आपको ताकत देते हैं, ऐसे समय में आपको छोड़ देते हैं। और वो क्यों छोड़ते हैं आपको? क्योंकि आपने अहंकार को पाला है। आपने पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का जो रास्ता तय किया था, उस रास्ते पर लोग चलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आपने राजनीति के नाते, स्वार्थ के नाते उस रास्ते पर चलने के लिए तमाम लोगों को मजबूर कर दिया। और इसी के कारण ये बात केवल संवाद टीवी पर आपको सुनने को मिलेगी और कहीं पर भी किसी विश्लेषण में आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इसी के कारण जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते रहे तो वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़े, ममता बनर्जी क्यों जीती? तमाम ऐसे हिंदू जो डर के कारण, भय के कारण, वो चाहते तो थे भाजपा को वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए, लेकिन उन्हें इतना डरा दिया जाता था, धमका दिया जाता था, उन्हें इतना भयभीत कर दिया जाता था कि मजबूरी में जाकर बूथ पर वो टीएमसी को वोट करते थे, मतदान करते थे, ममता बनर्जी की पार्टी को मतदान करने के लिए मजबूर होते थे, क्योंकि उन्हें धमकी दी जाती थी अगर टीएमसी को मतदान नहीं किया, टीएमसी के प्रत्याशी को मतदान नहीं किया, तो उसके बाद जो है मौत निश्चित है, फिर तुम्हें किसी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। जैसा आप सभी ने देखा है कि कैसे, किस प्रकार से चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल व्याप्त हो जाता है, कैसे पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धधकता रहता है, उसका मूल कारण यही है, टीएमसी के गुंडे डराने और धमकाने का काम करते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ममता बनर्जी की राजनीति का, सियासत का अब अंत है। ममता बनर्जी जब अब बस सिर्फ और सिर्फ जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नैतिकता की मार उन पर इतनी बड़ी पड़ रही है कि अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, उनके सामने कोई मार्ग नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ममता बनर्जी के विधायक गण, ममता बनर्जी के पार्टी के ही सांसद गण, वो सारे के सारे ममता बनर्जी से बार बार यही कह रहे हैं कि आपने बेटी के साथ हुए अत्याचार अपराध के समय सख्त कदम नहीं उठाए, और कल को अगर हमारी बेटी के साथ होगा तो आप इसी तरह का अगर रवैया अपनाएंगी, इसी तरह के कदम, ढीले और ढुलमुल रवैया अपनाएंगी, तो फिर तो हम जीते जी मर जाएंगे। यानी ममता बनर्जी के सांसद और विधायक टूटने के कगार पर हैं, ममता बनर्जी के सांसद और विधायक टीएमसी को छोड़ने के कगार पर हैं। मैंने जैसे बार बार बताया कि लोग अपराध करते हैं, लोग अपराधियों का साथ देते हैं, लेकिन जब उनके परिवार पर बन पड़ती है, जब उनके ऊपर बन पड़ती है, उनके बच्चों पर, उनकी पत्नी और बेटियों पर बन पड़ती है, तब फिर वो जो है अपराध से तौबा करते हैं, तब उन्हें ये महसूस होता है कि उनका कदम कितना गलत था, उनका कदम कितना घातक था, उन्होंने कितने गलत कदम उठाए। जो भी टीएमसी के साथ में सांसद और विधायक हैं वो बार बार पछता रहे हैं, बार बार उनके मन में पछतावा आ रहा है कि केवल राजनीति के कारण, केवल सियासत के कारण उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया और वो टीएमसी से जुड़े रहे। लेकिन अब जो है, जब लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह की हैवानियत हुई तो उनका शरीर भी कांप उठा, वो भी कांप उठे। तो ममता बनर्जी का, जैसे मैंने बताया कि अब ममता बनर्जी की सियासत का अंत है, अंत है, अंत है। ममता बनर्जी का अहंकार, अभिमान, जो घमंड ममता बनर्जी का है, वो भी पूरी तरह से चूर चूर चकनाचूर हो चुका है। और इसीलिए ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलने गई हैं, उनसे बातचीत करने गई हैं। ये बातचीत करना, मुलाकात करना ममता बनर्जी के लिए एक माफी मांगने जैसा है। ममता बनर्जी उन सब से बातचीत करने के बाद फिर देखिए उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जैसा मैं फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की सियासत, राजनीति का ये अंत है, अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नैतिकता की लाठी जबरदस्त ममता बनर्जी पर पड़ी है। दोस्तों, ममता बनर्जी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर सूचित करें, जरूर बताएं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि लगातार वीडियो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि सही और स्पष्ट खबरें आप तक पहुंचें, आप जैसे लोगों तक राष्ट्रवादी खबरें पहुंचें, जिससे आप सब हमारे चैनलों से जुड़े रहें।